तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच तीन T20 मैचों की सीरीज का पहला T20 मुकाबला 3 जनवरी 2023 ट्यूजडे को खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में और पहला T20 मैच भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से यानी कि 7 PM से स्टार्ट होने वाला है, जिसे आप लाइव देख सकते हैं अपने TV चैनल से स्टार स्पोर्ट्स के सभी नेटवर्क पर हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग भाषाओं में, जबकि आप अपने मोबाइल फोन डिजनी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर लाइव देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल मुफ्त में लाइव देखना चाहते हैं, फ्री में लाइव देखना चाहते हैं, तो आप DD स्पोर्ट्स TV चैनल्स पर लाइव देख सकते हैं। अब भारत बनाम श्रीलंका के बीच यह T20 सीरीज काफी शानदार, काफी जबरदस्त होने वाला है, जहां आखिरी बार इन दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज साल 2022 में खेला गया था, जब श्रीलंका की टीम भारत दौरे पर आई थी। उस 3 T20 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 के बड़े अंतर से श्रीलंका की टीम को हरा दिया था, यानी कि भारतीय टीम ने व्हाइट वॉश कर दिया था। तो क्या इस बार भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ ऐसा ही शानदार प्रदर्शन कर पाएगी या फिर नहीं? अब पहला T20 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां इस मैदान पर IPL और डोमेस्टिक मैचेस तो काफी ज्यादा खेले गए, लेकिन T20 इंटरनेशनल मुकाबले काफी कम खेले गए। इस मैदान पर अब तक इतिहास में टोटल 7 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए और इन 7 T20 इंटरनेशनल मैच में पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को मात्र 2 ही मैच में जीत मिली है, जबकि चेस करने वाली टीम को दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 7 में से 5 मुकाबलों में शानदार जीत मिली है। तो इस मैदान पर चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड काफी शानदार है, जहां इस मैदान का एवरेज स्कोर है T20 फॉर्मेट में वो है 195 रन, जबकि इस मैदान का सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा स्कोर रहा है T20 फॉर्मेट में वो है 240 रन, जो कि भारतीय टीम ने ही बनाया था। तो इस मैदान का सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटा स्कोर है 135 रन, जो कि श्रीलंका की टीम ने बनाया था। तो इस वीडियो में इस मुकाबले की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, वेदर कंडीशन, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, जबकि दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 और इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन की बात करने वाले हैं कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको कहूं कि आपको सिर्फ 1 रुपए में iPhone 14 मिल सकता है तो मानोगे? विश्वास नहीं वरना, लेकिन ये एकदम सच है। कैसे जीत सकते हो ये जानने के लिए बस वीडियो देखते रहना। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं iPhone 14। सीक्रेट है आपकी क्रिकेट की नॉलेज। 3 जनवरी को इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच है, पर उससे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो My11 सर्कल ऐप अभी और टीम बनाओ इस मैच के लिए। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो एक ब्रांड न्यू iPhone 14। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है ₹1 और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया श्रीलंका मैच के लिए ही वैलिड है, तो मिस मत करना, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए है और मेरे लिंक से ही एक्टिव होगा। टूर्नामेंट के हर मैच डे में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो द बेस्ट महिंद्रा थार। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा My11 सर्कल के अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करते ही। तो डाउनलोड करो My11 सर्कल ऐप को वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से और जीतो iPhone 14। आपको बता दें कि इस 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, जबकि उप कप्तान बनाया गया है पहली बार सूर्य कुमार यादव को। तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की टीम में जिसकी कप्तान दशन सनाका है और वाइस कैप्टन बनाया गया है वरिंदु हसरंगा को। अब श्रीलंका की टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ इस बार भारत दौरे पर आई है, तो वहीं भारतीय टीम में कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है, जहां रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल समेत सभी बड़े बड़े खिलाड़ी इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर, तो बात करते हैं सबसे पहले T20 मुकाबले के लिए इंडिया और श्रीलंका दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 पहले T20 मुकाबले में कुछ इस तरह से होने वाली है भारत के खिलाफ। एज अ ओपनर नंबर 1 पर होंगे प्रथम निशांका, नंबर 2 पर कौशल मेंडिस, बेहतरीन विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपर, ये दोनों ही करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी। नंबर 3 पर धनंजय देसिल्वा, नंबर 4 पर चरिता आसलांका, नंबर 5 पर बनुका राजपक्ष का, नंबर 6 पर दशुन सनाका कप्तान, नंबर 7 पर वनिंदु हसरंगा, नंबर 8 पर चमिका करुणा रत्ने, नंबर 9 पर महेश तेगासाना, नंबर 10 पर लहिरो कुमारा, नंबर 11 पर कसुन रजिता या फिर दिलशान मधुसांका, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा। तीरी श्रीलंका की प्लेइंग 11 पहले T20 मुकाबले के लिए। अब चलिए बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। तो भारत की तरफ से एज अ ओपनर नंबर 1 पर होंगे ईशान किशन, बेहतरीन विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज जो शानदार विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, जबकि नंबर 2 पर भारतीय टीम के पास 2 विकल्प है, एक है शुभमन गिल के तौर पर, दूसरे है बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़। तो इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा, जहां तक मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को इस मुकाबले में खिलाना चाहिए। बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर होंगे सूर्य कुमार यादव, जबकि नंबर 4 पर होंगे संजू सैमसन जो शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी काफी शानदार करते हैं। नंबर 5 पर होंगे हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के जबरदस्त ऑलराउंडर और कप्तान। नंबर 6 पर होंगे दीपक हुड्डा बैटिंग ऑलराउंडर। नंबर 7 पर अक्षर पटेल या फिर वाशिंग
वाशिंगटन सुंदर, इन दो स्पिनर ऑलराउंडर में से किसी एक को खिलाया जाएगा। जबकि नंबर 8 पर होंगे बेहतरीन बॉलर हर्षल पटेल, जो अपनी गेंदबाजी में काफी मिश्रण करते हैं। नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह, युवा तेज गेंदबाज। तो वही नंबर 10 पर उमरैन मलिक, बेहतरीन फास्ट बॉलर। नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल, स्पिनर। तो यदि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले टी20 मुकाबले के लिए श्रीलंका के खिलाफ, जहां आप दीपक हुड्डा की जगह पर इस मुकाबले में राहुल त्रिपाठी को भी मौका दे सकते हैं, अगर आपको अपनी बल्लेबाजी में थोड़ी और मजबूती लानी है। अब बात करें इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट्स के बारे में, तो पहला टी20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां यह पिच एक शानदार बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है। बल्लेबाजी के लिए यह पिच काफी अनुकूल है, खासतौर पर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, गेंदबाजी करना काफी कठिन रहता है इस मैदान पर। बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 26 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए, जिसमें से भारतीय टीम को 17 टी20 मैच में शानदार जीत मिली है, जबकि श्रीलंका की टीम को 8 टी20 मुकाबलों में जीत मिली है और एक मुकाबला 9 रिजल्ट रहा है। तो यहां पर पलड़ा भारतीय टीम का काफी भारी दिखाई दे रहा है। बात करें पहले टी20 मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में, कि आखिर कौन सी टीम पहला टी20 मुकाबला जीतने वाली है, तो पिच और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यही लगता है कि जो टीम चेस करेगी वो टीम मुकाबला आसानी से जीत सकती है। लेकिन यहां पर भारतीय टीम ऑन द पेपर हो या फिर ऑन द फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग, काफी बेहतरीन टीम दिखाई दे रही है। भले ही टीम इंडिया के स्क्वाड में बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली यह टीम किसी भी टीम से कम नहीं है और पहले टी20 मुकाबले की मोस्ट फेवरेट टीम भारतीय टीम ही दिखाई दे रही है, यानी कि टीम इंडिया पहला टी20 मुकाबला जीत सकती है। आपकी क्या भविष्यवाणी है, क्या प्रेडिक्शन, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।